Hi everyone, welcome to Sincere Brandy. So today is the first episode of Agriculture Current Affair and GK 2024. So first of all, Happy New Year to all. So in this video, we will discuss some important topics related to current affairs of agriculture. So this is very important for all the competitive exams related to agriculture and horticulture, even for the ICAR, SRF exam or any ADO, HDO, AHO exams. So equally important for all the competitive exams. So in this video, we will mainly discuss recently scientists have developed the electronic soil. So what is electronic soil? Uske bare mein discuss karenge. Then abhi recently GI tag mila hai yak churpi ko. To ye iske bare mein hum discuss karenge. And then what is Raj Himani, jo ki ek horse fall hai and embryo rescue techniques ke dwara develop kiya gaya. So this is first ever. So we will discuss these major points in this video. So let's start the discussion. So first one is Punjab government recently banned which variety of paddy? Abhi recently Punjab government ne paddy ki ek variety ko ban kiya hai for the cultivation. To wo kaun si variety hai? So that is Pusa 44. Pusa 44 variety jo hai isko Punjab government ne ban kar diya hai for the cultivation in Punjab. Reason being, पूसा 44 की अगर हम बात करें तो इसको डेवलप किया गया था 1993 में और ये वैरायटी जो थी बहुत पॉपुलर हुई पंजाब में, पंजाब के फार्मर्स में, क्योंकि इसका जो यील्ड पोटेंशियल था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था. इसकी 70-80% ऑफ द पंजाब का जो पैडी कल्टीवेशन था एरिया था वो इसी वैरायटी के अंडर था ड्यू टू इट्स हाई यील्ड की वजह से. बट पंजाब गवर्नमेंट ने इसको भी बैन कर दिया. और बैन क्यों किया है? क्योंकि पूसा 44 जो है इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो थोड़ा लेट है. इसकी इसको मैच्योर होने में ज़्यादा टाइम लगता है. यू कैन सी दैट 165 डेज लगते हैं इसको मैच्योर होने में, राइट? सो अबाउट 165 डेज इसको मैच्योर होने में लगते हैं, जो कि नॉर्मल वैराइटीज जो हैं उनसे 35-40 डेज ज़्यादा लगता है. मीन्स की अबाउट 1.5 मंथ इसको ज़्यादा टाइम लगता है मैच्योर होने में, राइट? तो जब पैडी जो आपको पता है उसको भी कल्टीवेशन के लिए हमें वाटर चाहिए होता है, तो अगर क्रॉप ज़्यादा टाइम के लिए फील्ड में रहेगा तो ज़्यादा ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होगा, बल्कि उसको ज़्यादा पानी देने की जरूरत पड़ेगी हमें. और पंजाब में ऑलरेडी आपको पता है कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का प्रॉब्लम है. पंजाब इज ऑलरेडी फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, राइट? और यहाँ पे 1 मंथ से ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको मैच्योर होने में इस वैरायटी को, तो नेचुरली हमें थोड़ा और इरीगेशन वाटर देना पड़ेगा. तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए पूसा 44 को बैन किया गया है. अनदर थिंग इज दैट कि पूसा 44 थोड़ा लेट मैच्योर होती है, तो फार्मर्स को कम टाइम मिलता है कि नेक्स्ट जो आपका वीट कल्टीवेशन करना होता है उसके बाद, राइट? तो उसके लिए कम टाइम बचता है, तो फार्मर क्या करते हैं, मोस्टली इजिली स्टबल बर्निंग कर देते हैं, जो कि उनके लिए ईजी रहता है एकदम से फील्ड को अगर प्रिपेयर करना है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पूसा 44 है दैट एक्चुअली एग्रावेट द प्रॉब्लम ऑफ स्टबल बर्निंग इन पंजाब, क्योंकि इसकी हार्वेस्टिंग होती है जस्ट आइडियल टाइम होता है जो कि वीट सोइंग के लिए अक्टूबर एंड से जस्ट पहले, तो मतलब कि फार्मर को कम टाइम मिलेगा. तो इसलिए वो क्या करते हैं, उनके लिए इजी मेथड रहता है कि इसको स्टबल बर्निंग कर दो. तो स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम में भी इसका कंट्रीब्यूशन रह रहा है. तो डेट्स वाई जो पूसा 44 है इसको बैन कर दिया गया रिसेंटली पंजाब में. ओके, नेक्स्ट इज ई सॉइल हैव बीन डेवलप्ड रिसेंटली फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन विच सिस्टम? हाइड्रोपोनिक सिस्टम के लिए. तो ई सॉइल क्या है? ई सॉइल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक सॉइल. तभी रिसेंटली स्वीडन में जो यूनिवर्सिटी है लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ के साइंटिस्टों ने इलेक्ट्रॉनिक सॉइल डेवलप की है, जो कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम है जो हम प्लांट ग्रो करते हैं उनकी ग्रोथ को स्पीड अप कर सकता है. और ये इलेक्ट्रॉनिक सॉइल है क्या? व्हाट इज ई सॉइल? सो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सॉइल है इट इज ए नोवल कंडक्टिव कल्टीवेशन सबस्ट्रेट टेलर्ड स्पेसिफिकली फॉर द हाइड्रोपोनिक सिस्टम, राइट? तो इसको पर्टिकुलरली हाइड्रोपोनिक सिस्टम के लिए बनाया गया है. तो जैसे कि हमारा जो ट्रेडिशनल सबस्ट्रेट होते हैं लाइक मिनरल वूल हैं, राइट, जो कि मेनली नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं एंड उनको हम कह सकते हैं कि दे आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग द एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस, बल्कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है उनको. बट जो ई सॉइल है, इलेक्ट्रॉनिक सॉइल ई सॉइल, ये जो है डेट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज. ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक सॉइल जो है डेट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, जो कि एक बायोपॉलीमर होता है, और इसकी ब्लेंडिंग करते हैं विद ए कंडक्टिव पॉलीमर जिसको हम कहते हैं पेडोट,
पेडोट मीन्स की पॉली थ्री फोर इथाइलिन डाइऑक्सी थायोफिन, राइट। तो सेल्लोज मेलना उसका कंपोनेंट है, ठीक है, सेल्लोज उसका मेन कंपोनेंट है, कंपोज्ड ऑफ सेल्लोज जो कि एक बायोपॉलीमर होता है जिसकी ब्लेंडिंग करते हैं एक दूसरे कंडक्टिव पॉलीमर के साथ, दैट इज नोन एज पेडोट। तो ये जो ब्लेंडिंग है, नोवल इनोवेटिव ब्लेंडिंग जो है ऑफ मटेरियल, इट अलोज फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ रूट सिस्टम इन द प्लांट्स थ्रू द लो पावर इलेक्ट्रिक करंट्स। ओके, तो एनर्जी भी हमें कम लगेगा इस तरह से, तो दैट इज ई सोइल। तो ई सोइल जो है नेचुरली बात है कि हमें डिफरेंट एडवांटेजेस इसकी रहती हैं, जैसे कि लो एनर्जी लगेगी तो लोअर एनर्जी कंजप्शन इज रिक्वायर्ड, राइट, एंड हेंस इट एलिमिनेट्स द रिस्क एसोसिएटेड विद हाई वोल्टेज सिस्टम। तो एनर्जी कम लगेगी तो हाई वोल्टेज सिस्टम के साथ जो रिस्क होते हैं वो नहीं होंगे, राइट। तो सिग्निफिकेंस जो है ई सोइल की वो इस चीज में भी लाई करती है कि इट्स एबिलिटी टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट, बल्कि स्पीड अप करती है ग्रोथ ऑफ प्लांट। जैसे कि अभी रिसेंटली बार्ले सीडलिंग में ऑब्जर्व किया गया कि उनको 50% इंक्रीज इन ग्रोथ रेट मिला बार्ले सीडलिंग में, राइट। सो दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक सोइल विच इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज जो कि एक बायोपॉलीमर है और साथ में कंडक्टिव पॉलीमर हम ऐड करते हैं पेडोट। ओके, नेक्स्ट इज रिसेंटली यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड टू डेजिग्नेट डैश डे एज द इंटरनेशनल पोटैटो डे एवरी। तो इंटरनेशनल पोटैटो डे सेलिब्रेट किया जाएगा, तो कौन सा डे जो है जिसको कि इंटरनेशनल पोटैटो डे डेजिग्नेट किया गया है, तो दैट इज 30th of May। तो रिसेंटली हम कह सकते हैं कि जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन की, तो दे हैव वेलकम द यूनाइटेड नेशन डिसीजन टू डेजिग्नेट 30th of May। तो 30th of May जो है दैट इज डेजिग्नेटेड नाउ एज इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो। ओके, फॉर वट पर्पज, टू रेज द अवेयरनेस ऑफ द पोटैटो क्रॉप अमंग द कंज्यूमर्स, क्योंकि पोटैटो जो है बता हमें बिलियंस ऑफ कंज्यूमर जो है उसको यूज करते हैं पोटैटो को, स्टेपल क्रॉप है, ठीक, बिलियन ऑफ पीपल के लिए, राइट। तो पोटैटो की क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस क्या है, फूड सिक्योरिटी में क्या इंपॉर्टेंस है, उसके लिए अवेयरनेस रेज करने के लिए तो इंटरनेशनल डे जो है डेजिग्नेट किया गया है 30th of May एज इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो कब सेलिब्रेट किया गया था, 2008 में, राइट, 2008 जो है दैट इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो। ओके, नेक्स्ट इज रिसेंटली फर्स्ट एवर याक मिल्क प्रोडक्ट याक चुरपी गेट्स GI टैग बिलोंग्स टू। याक के मिल्क का एक प्रोडक्ट बनता है जिसको कहते हैं याक चुरपी, दैट हैज गॉट द GI टैग रिसेंटली एंड इट बिलोंग्स टू विच स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, राइट आंसर इज ए अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो यू कैन सी दैट जो चुरपी है विच इज मेनली प्रिपेयर किया जाता है अरुणाचल या अरुणाचली याक जो है उसके मिल्क से, राइट, जो कि एक यूनिक याक ब्रीड है वहां पे, दैट इज फाउंड मेनली इन द वेस्ट कामेंग एंड तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो याक चुरपी जो है जो कि एक नेचुरली फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट है जो कि याक मिल्क से बनता है, इसको GI टैग दिया गया है एंड इट बिलोंग्स टू अरुणाचल प्रदेश। तो चुरपी की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन्स का और इसको ट्राइबल पीपल के द्वारा यूज किया जाता है फ्रीक्वेंटली इन द इवन वेजिटेबल के साथ, राइस के साथ, ठीक है। और इसमें भी अगर हम बात करें तो मेनली एक ट्राइबल कम्युनिटी है अरुणाचली याक की ब्रीड को जो कि रियर करते हैं बाय द ट्राइबल याक कम्युनिटी है, कौन सी, जिसको हम कहते हैं ब्रोकपस, राइट। ओके, नेक्स्ट इज राजहिमानी। तो राजहिमानी रिसेंटली न्यूज में था, राजहिमानी क्या है, इंडिया का पहला हॉर्स फॉल, इंडियाज फर्स्ट हॉर्स फॉल विच वॉज प्रोड्यूस थ्रू द कम्बिनेशन ऑफ फ्रोजन सीमन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज, राइट। तो ये फॉल मीन्स की जो यंग हॉर्स होता है, यंग वन जो होते हैं हॉर्स के उसको कहते हैं नॉर्मली फॉल, राइट। तो इंडिया का फर्स्ट हॉर्स फॉल विच वॉज डेवलप्ड थ्रू एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, उसका नाम रखा गया है राजहिमानी। Okay, तो ICR का जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वीन्स है बीकानेर में, तो वहां के साइंटिस्टों के द्वारा इंडिया का फर्स्ट हॉर्स फॉल जो है वो डेवलप किया गया है बाय कंबिनेशन ऑफ टू टेक्नोलॉजीज, एक तो फ्रोजन सीमन टेक्नोलॉजी एंड सेकंड इज एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट फॉल जो है हॉर्स फॉल इंडिया में दैट इज नेम्ड राजहिमानी। So this is all about today. Rakh video acha laga ho to kindly share karein, subscribe karein and stay tuned with Sincere Brandy. Stay healthy. Jai Hind.